Welcome students in the lecture series of computer science for intermediate first year. इसका जो weightage है बाकी सब science subject के जैसा ही है. computer science पढ़ना क्यों जरूरी है? computer science ये बाकी सब science subject के जैसा ही है. जैसे आप पहला जो इसका reason है to solve a problem through computer scientifically. आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स का एप्लीकेशंस बहुत जगह में होता है. जैसे कि अभी हम लोग जो यूज करते हैं इंटरनेट और मल्टीमीडिया में इसका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है. इसके अलावा और बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे डेटाबेस एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग. लेकिन ये सब जितने भी एप्लीकेशन है इसको ये अगर हम एक प्रॉब्लम के जैसा समझे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक इंटरनेट नेटवर्किंग प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, तो उसको हम कैसे साइंटिफिकली उसको सोचेंगे. साइंटिफिकली का मतलब हो क्या कि जैसे कि हम लोग फिजिक्स जब पढ़ते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स में कुछ बेसिक रूल्स और थ्योरीज होता है. उस थ्योरी के यूज करके हम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं. तो ये एक साइंटिफिकली थिंकिंग है. तो ये कंप्यूटर साइंस भी इसी तरह से, कंप्यूटर साइंस के थ्रू भी हम लोग प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसको साइंटिफिकली सोचेंगे और उसको साइंटिफिकली सॉल्व करेंगे. जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है, आप कंप्यूटर्स के थ्रू उसको सॉल्व कीजिएगा, तो पहले उसका जो बेसिक रूल्स है उसको पता लगाना होगा क्या है. फिर उसको आप कंप्यूटर प्रोग्राम या हार्डवेयर या नेटवर्किंग के थ्रू उसको चेंज करना होगा. फिर उसको एक्सपेरिमेंटली उसको टेस्ट करना होगा, मतलब प्रोग्राम या नेटवर्क या हार्डवेयर को एक्सपेरिमेंटली उसको चेक करना होगा. तो इस तरह से साइंटिफिकली हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट जो इसका नीड है, हम लोग क्यों इसको कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्यूशन को हम लोग लॉजिकली सोचेंगे. टू थिंक द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम लॉजिकली. लॉजिकली मीन्स, साइंटिफिकली मीन्स यू हैव ए सेट ऑफ रूल्स. आपके पास एक रूल्स होगा और उसी को आप फॉलो करते हुए चलिएगा आगे. और लॉजिकली मीन्स, लॉजिकली मतलब आपका दिमाग में जो रूल आता है. जरूरी नहीं कि सारे प्रॉब्लम जो अवेलेबल रूल्स है उससे सॉल्व हो जाए. इसमें बाकी सब साइंस सब्जेक्ट से ये थोड़ा सा डिफरेंस है. लॉजिकली प्रॉब्लम्स लॉजिकली सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा. आपके दिमाग में जो सॉल्यूशन आएगा उसी तरह से इसको सॉल्व करना है. लॉजिकली मीन्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस ऑफ ए प्रॉब्लम एंड इट कम्स फ्रॉम योर ब्रेन. नेक्स्ट जो इसका हम लोग जो पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, ये आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन किस लिए होता है. कंप्यूटर का बेसिकली एप्लीकेशन होता है कोई भी प्रॉब्लम को स्पीड विथ एंड एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए. अगर हम लोग उसको मैनुअली करेंगे तो हो सकता है एक साल लग जाए, दो साल लग जाए, तीन साल लग जाए, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो बहुत स्पीडली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. स्पीडली का मतलब यह नहीं कि उसमें एक्यूरेसी नहीं होगा, एक्यूरेसी भी होना चाहिए. तो हम लोग जब कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो इसको हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी को भी समझेंगे कि कैसे साइंस का यूज, कैसे हम लोग लॉजिक का यूज करेंगे और कैसे उसको हम लोग स्पीड और एक्यूरेसी देंगे. मतलब हो क्या, ये जो प्रॉब्लम है वो कम से कम टाइम में वो सॉल्व हो जाए. कंप्यूटर साइंस जैसे दिखा रहे हैं यहां पे बाकी सब साइंस सब्जेक्ट के जैसा ही है ये, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन. लेकिन बेस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन से सब बेसिक्स साइंस है. जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का बहुत सारा रूल्स हम लोग बाय नेचर से लिया हुआ है. कुछ रूल्स डेवलप किया गया बाय साइंटिस्ट, जैसे न्यूटन्स कुछ रूल्स डेवलप किए हैं, ग्रेविटेशनल रूल्स. इसके बाद आइंस्टाइन्स ने कुछ रूल डेवलप किए, कुछ थ्योरीज डेवलप किए. लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा कोई बेसिक साइंटिफिक रूल नहीं है. ये बाकी जितने भी
प्रिंसिपल्स है, जैसे फिजिक्स का प्रिंसिपल्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसका प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं। और अलग अलग जो इसका एरियाज है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इमेज प्रोसेसिंग, डेटाबेस, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो फिजिक्स का जैसे मान लीजिए, फिजिक्स कैसे यूज होता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको सर्किट बनाना है, सर्किट में सर्किट का साइज, पहले जैसे आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी कंप्यूटर्स धीरे धीरे छोटा हो गया है। इसमें दोनों का एफर्ट है, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों का एफर्ट है। फिजिक्स से कंप्यूटर साइंस उसका प्रिंसिपल लिया है, और फिर कंप्यूटर साइंस अपना कुछ प्रिंसिपल अप्लाई करके कंप्यूटर्स हार्डवेयर को छोटा कर दिया गया है। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी एप्लीकेशन है। केमिस्ट्री में जैसे कि अभी हम लोग जो चिप यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टिंग चिप है, आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक चिप होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल से के थ्रू, जैसे कार्बनिक जो जिसको आप कहते हैं। तो कैसे वो यूज होगा, कैसे कंप्यूटर्स में हम लोग उसको यूज करेंगे, तो कंप्यूटर साइंस ये डिसाइड करेगा। कंप्यूटर साइंस अपना कुछ बेसिक उसका प्रिंसिपल जनरेट करता है, केमिस्ट्री से कुछ लेके उसको अपना तरीके से उसको कन्वर्ट करता है। तो नया जो हार्डवेयर बनेगा वो हार्डवेयर जस्ट ऑर्गेनिक चिप्स होगा, वो हार्डवेयर में जाएगा। इस तरह से बायोलॉजी एंड मेडिसिन्स का भी हम लोग बहुत सारा प्रिंसिपल यूज करते हैं। जैसे न्यूरल नेटवर्क्स में, न्यूरल नेटवर्क्स जैसे ब्रेन में हम लोग का पास बहुत न्यूरॉन, बहुत सारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ही आदमी कुछ सोचता है और कुछ नया चीज को डेवलप करता है। तो कंप्यूटर्स कैसे आने वाले दिनों में, जो कंप्यूटर्स कैसे उसको यूज करके एक ह्यूमन बीइंग जैसा सोचने वाला कंप्यूटर्स बनाएगा, तो हम लोग उसको बायोलॉजी एंड मेडिसिन से लेते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर्स, हम लोग उस तरह से एक सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। इसके बाद इमेज प्रोसेस, इमेज को कैसे देखेगा, इमेज को कैसे प्रोसेस करेगा, रिकॉग्निशन करेगा, ये सारा चीज बायोलॉजी बायोलॉजी एंड मेडिसिन के थ्रू ही उसका प्रिंसिपल लिया गया है। इस तरह से कंप्यूटर साइंस एक इंटरकनेक्टेड मल्टीफंक्शनल यूनिट्स है, मल्टीफंक्शनल ब्रांच है, जिसमें सारे जो प्रिंसिपल्स है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, सारे को यूज करके वो अलग अलग एरियाज में उसको इम्प्लीमेंट करता है। विदाउट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस पढ़े बिना इसको किया नहीं जा सकता है। हम लोग जो पढ़ेंगे इसका एक्चुअल में कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग इतना सारा डिटेल में अभी नहीं जा पाएंगे एक साल में। नेक्स्ट ईयर भी आप लोग का ये कोर्स चलेगा। इस साल हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव में जैसे कि ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। राइटिंग प्रोग्राम करेक्टली, टू डेवलप लॉजिक, टू क्रिएट एन एक्सपोजर टू कंप्यूटर्स, नेटवर्क एंड डेटाबेस, ये इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ओवरऑल आर्किटेक्चर्स में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ओवरऑल मेमोरी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह से काम करता है, वो सब कैसे ऑर्गेनाइज रहता है, कैसे इंटरकनेक्टेड होता है। प्रोग्राम लिखना एक मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्राम इसमें सी प्लस प्लस में लिखा जाएगा, कैसे हम लोग करेक्टली उसको प्रोग्राम को लिख सकते हैं और रन कराने के बाद उसको एक्चुअल आउटपुट हम लोग देख पाएंगे, वो देखेंगे। तीसरा जो है, टू डेवलप लॉजिक। लास्ट कुछ स्लाइड्स पहले हम बोले थे लॉजिक के बारे में। लॉजिक एक्चुअली में दिमाग से जनरेट होता है। वो लॉजिक जैसे दो आदमी का लॉजिक हो सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इन डिफरेंट लॉजिक्स। अलग अलग दिमाग अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को समझता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इस तरह से लॉजिक आपका जेनरेट होता है दिमाग से। तो दिमाग में कैसे लॉजिक जेनरेट होगा उसको डेवलप भी इसी के थ्रू किया जा सकता है। बाकी सब साइंस सब्जेक्ट से यह थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कुछ स्टेप्स होता है, कुछ फिक्स स्टेप्स होता है, जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, वो हम लोग उसी तरह से चलते हैं कि इस तरह से हो जाए सॉल्व। लेकिन कंप्यूटर में इस तरह का कुछ फिक्स लॉजिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस समय आपको अपना दिमाग लगाना होगा, अपना डेवलप करना होगा लॉजिक। टू क्रिएट एन एक्सपोजर टू कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटाबेस,
जैसे कि अभी तो अभी जो इंटरनेट और नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसीलिए नेटवर्क का एक्सपोजर होना जरूरी है। डेटाबेस, हम लोग रिमोट डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो डेटाबेस का भी एक्सपोजर बहुत जरूरी है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, ये कोर्स में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। इसका सिलेबस, ये कॉन्साइज सिलेबस है, शॉर्ट करके दिया गया है यहाँ पे सिलेबस। डिटेल सिलेबस आप लोग को मिलेगा। जैसे फर्स्ट जो यूनिट है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर्स, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम लोग हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, कितने तरह का सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, ऑपरेट सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इंटरनल कंप्यूटर्स हम लोग जो लिखते हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नल सिस्टम के थ्रू कीबोर्ड या माउस के थ्रू जो इनपुट करते हैं वो इंटरनली कैसे स्टोर होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम एक्चुअली में बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, ये सारे। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर्स का मतलब होता है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मेमोरी सिस्टम, मेमोरी कितने तरह का होता है, टेम्पररी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारे पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में हम लोग कैसे स्टेप्स लिखेंगे प्रोग्राम, प्रोग्राम डेवलप करने से पहले हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको फिर C++ में रन कराएंगे तो उसमें क्या क्या एरर आ सकता है, टाइप्स ऑफ एरर में पढ़ेंगे। और लॉजिक डेवलप करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का सहारा लेंगे। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट लिखने के बाद ही हम लोग को लॉजिक डेवलप होगा, कैसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसी के थ्रू हम लोग को पता चलता है। इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग, ये यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें कितना तरह का डेटा टाइप्स होता है, वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, ऑपरेटर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट ये हो गया यूनिट 3। और यूनिट 4 में हम लोग प्रोग्रामिंग इन C++ इन डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ये शामिल है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है, जैसे यूनिट 1 में कंप्यूटर फंडामेंटल है, इसमें 10 मार्क्स का है। यूनिट 2 में प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, 12 मार्क्स का है। यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग बेसिक, 14 मार्क्स। और यूनिट 4 में प्रोग्रामिंग इन C++ 34। टोटल मार्क्स थ्योरी में 70 है और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स। बुक्स आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो समझ में आता हो। इसमें हम दो बुक का नाम दे दिए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस विद C++, ये सुल्तान चंद पब्लिकेशन है, और दूसरा बुक आप ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस विद C++ सरस्वती पब्लिकेशन। आइए देखते हैं इसमें कंप्यूटर्स एक्चुअली में क्या करता है, मतलब बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेटा लिखा हुआ है और इधर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये डेटा और इंफॉर्मेशन और बीच में कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग सिस्टम के जैसा काम करता है, ये डेटा को ये इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है और प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, ये तीन यूनिट मिला के एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो हम लोग देखेंगे डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए मैं हम लोग जो लास्ट जो फिगर देखे उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे काम करता है। ये जो डेफिनेशन है कंप्यूटर्स, आप लोग सबको जानते हैं कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन कैलकुलेट अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन एट ए वेरी फास्ट रेट। और एक डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट फॉलोज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर दैट इट मे बी एबल टू एक्सेप्ट एंड गैदर डेटा एंड ट्रांसफॉर्म दिस इनटू इंफॉर्मेशन। हम जो इतना सारा एप्लीकेशंस देखे सारे में डेटा को इंफॉर्मेशन में यह चेंज करता है। डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में।
डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। डेटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसमें ये पता नहीं चलता है कि डेटा एक्चुअल में ये डेटा किसके लिए यूज हो रहा है, और ये जो मेरे पास जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है एक्चुअली में ये है क्या, ये हमको पता नहीं चलता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो सारे पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर्स दिया हुआ है, कुछ नंबर्स क्या हो सकता है, वो आपका रोल नंबर हो सकता है, और वो टेम्परेचर हो सकता है, वो हाइट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर लिख देंगे 20, 30, 40 ये लिखा हुआ है, तो ये 20, 30, 40 क्या है, ये हो गया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम 20, 30, 40 लिख दिए हैं, ये हो गया डेटा। लेकिन हम जब इसमें ऐड कर देंगे द टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर एयरली टेम्परेचर एयरली एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए गिवन प्लेस, तो ये हो जाएगा एक टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा एक इन्फॉर्मेशन। और ये अगर हम लोग इसको इस तरह रिसीव कर सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेंड इन द सेमेस्टर एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्टेंड इन द सेमेस्टर एग्जाम, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। तो ये कैसे किया जाएगा, हम जब अगर रॉ फैक्ट्स अगर एंटर कर देते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि कीबोर्ड के थ्रू हम 20, 30, 40 टाइप कर दिए, और वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हमको शो कर दिया कि दिस आर द मार्क्स ऑब्टेंड बाय द 3 स्टूडेंट्स इन द सेमेस्टर एग्जाम। तो ये कौन करेगा, ये कंप्यूटर करेगा डेटा। तो कंप्यूटर हो गया डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डेटा पहले हम लोग रॉ फैक्ट्स इनपुट करते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है, फिर वो फर्दर इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। तो इस तरह से डेटा इन्फॉर्मेशन का स्टेट चेंज होते रहता है। किसी के पास अगर रॉ फैक्ट्स आता है तो हो जाएगा डेटा, अगर किसी के पास वही रॉ फैक्ट्स को हम प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिए तो वो दूसरे आदमी के पास डेटा भी हो सकता है या इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक आदमी के लिए अगर कोई डेटा है तो दूसरे आदमी के लिए वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या एक आदमी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे आदमी के लिए वो डेटा भी हो सकता है। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाएंगे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में, जैसे कुछ मार्क्स है, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, ये आपको पता नहीं चल रहा कि क्या नंबर्स है। जैसे इसमें टोटल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ नंबर एक कॉलम में है, दूसरा में भी आठ नंबर्स, 8 नंबर्स है। तो ये सारे नंबर्स को आप देख रहे हैं, ये 100 से ऊपर है, ये सारे नंबर्स जो है 100 से नीचे है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्या है। तो ये अगर हम किसी को दे देंगे तो ये कोई समझ नहीं पाएगा एक्चुअली में किस चीज का इन्फॉर्मेशन है। तो ये हो गया रॉ फैक्ट्स। हाँ, हम अगर कहेंगे कि ऊपर वाला रोल नंबर है, लेफ्ट साइड में जो है वो रोल नंबर है और राइट साइड में जो है वो मार्क्स है, तब ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो हम इसमें एक लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि इफ इफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 900 देन इट इज रोल नंबर, एंड इफ द मार्क्स इज लेस देन 99 और हाँ लेस देन 100 देन इट इज मार्क्स। तो ये लॉजिक देके हम इसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमको जो मिला है, ये इन्फॉर्मेशन बाकी के लिए डेटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एडमिशन के लिए कोई कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई किया है कोई कॉलेज में या स्कूल में, तो उसमें 3 ही सीट बचा हुआ है एडमिशन के लिए, तो फिर किसको किसको वो सिलेक्ट कर सकता है। तो ये 3 आदमी को, 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो हमको मैनेजमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलेज या स्कूल में, उसको इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा आने वाले दिन में, ये 3 स्टूडेंट्स को वो लेके चलेगा। तो ये जो डेटा है, ये उस समय ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग एडमिशन प्रोसेसिंग में एज ए इनपुट मान सकते हैं। तो ये हो गया इनपुट, मतलब ये हो गया डेटा,
ये फिर से डेटाबेस चेंज हो गया और ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ये क्या दे रहा है, सिलेक्ट स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज और स्कूल। तो एक कुछ यूजर के लिए एक डेटा है, कुछ यूजर के लिए इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया, इसको भी हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और रिफाइंड इन्फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से डेटा और इन्फॉर्मेशन हमेशा चेंज होता है और रिफाइंड होते रहता है आने आगे। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, हम लोग कंप्यूटर्स को एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के जैसा देखेंगे। इसमें कुछ इनपुट होगा जिसको हम लोग डेटा को गैदर करेंगे। दूसरा हो गया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, ये सब जो है प्रोसेसिंग यूनिट। इट स्टोर्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज होना चाहिए, कुछ स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज होना चाहिए, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया स्टोरेज, क्योंकि डेटा को स्टोर करके रखना है और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है एक रिफाइंड वे में। प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारा टेक्निक्स है। हम लोग यहाँ पे जैसे कि लास्ट जो स्लाइड्स है उसमें हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे थे। इस तरह से ग्राफिकल वे में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब के थ्रू। तो ये चार अलग अलग रिक्वायरमेंट है। एक तो इनपुट यूनिट होना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, एक स्टोरेज यूनिट होना चाहिए, एक आउटपुट यूनिट होना चाहिए कोई भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, अब इसको हम लोग कंसोलिडेटेड कॉन्साइज कर दे रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। इतना सारा जो हम लोग पढ़े, एक हार्डवेयर यूनिट होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और तीसरा हो गया यूजर। ये हार्डवेयर हो गया जो हम लोग जिसको छू सकते हैं, हम लोग जानते हैं हार्डवेयर, जैसे सीपीयू, रैम, ये सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर नॉन टेंजिबल यूनिट है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर्स हम लोग आगे देखें क्या होता है। सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसको कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलता है, उसी तरह से वो काम करता है। यूजर, वैरायटी ऑफ यूजर्स, यूजर्स आज एक बच्चा भी हो सकता है, एक प्रोग्रामर भी हो सकता है, एक डेटा एनालिस्ट भी हो सकता है। तो ये सारे यूजर्स अलग अलग तरीके का है। तो अलग अलग यूजर क्या करता है, ऑपरेट करता है या सिस्टम को रिफाइन करता है। तो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का। ये एक ओवरऑल व्यू है हार्डवेयर का, एक कंप्यूटर सिस्टम का। बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये एक मैथमेटिशियन थे वॉन न्यूमैन, उसी के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। इसमें जैसे कि एक आपको दिख रहा है इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक डेटा आ रहा है और डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर हो सकता है। मेमोरी दो तरह का है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन बेसिक यूनिट्स है, जैसे ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ALU का मतलब हो गया एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट मतलब सब जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी कंपोनेंट है कंट्रोल करने के लिए, और रजिस्टर्स भी एक तरह का मेमोरी है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। और चौथा जो यूनिट है आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट में जैसे क्या आता है मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, ये सब आउटपुट यूनिट है। तो डेटा मूवमेंट कैसे हो रहा है, इनपुट हम जब भी करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कवर करता है और उसको अगर कहीं पे भेजना है, मेमोरी में भेजना है, तो इस तरह से मेमोरी या मेमोरी से और सीपीयू के बीच में टू वे डायरेक्शंस में ये डेटा प्रोसीड करता है। और वन वे में है इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट पे, इनपुट यूनिट से इनपुट जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिसाइड करता है कि कहां पे भेजना है, रैम में भेजना है कि आउटपुट यूनिट में भेजना है। कंप्यूटर्स एक डंब मशीन है, इसमें हम लोग जो इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं वही ये फॉलो करता है। तो इनपुट यूनिट से डेटा आता है, इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट,
वो उसी तरह से ALU में भेजता है, ALU उसको ऐड करता है, मान लीजिए कि एडिशन करना है, ALU उसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये डेटा को फिर मॉनिटर में भेज देगा, तो ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। तो इस तरह से अगर मान लीजिए परमानेंट स्टोर करना है तो सेकेंडरी यूनिट में स्टोर होता है, अगर परमानेंट स्टोर नहीं करना है तो मेन मेमोरी में स्टोर होता है डेटा। मेन मेमोरी रोम और रैम, यानी रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी से बना हुआ है। तो रोम का रैम का काम क्या है कि वो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है, जैसे हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे तो डेटा वो उड़ जाएगा, तो इसीलिए एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे मेमोरीज आता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव, सीडी रोम, ये सब। तो इस तरह से एक ओवरऑल व्यू है, ये दिस द आर्किटेक्चर इज पॉपुलरली नोन एज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हम लोग जो भी स्टोर करते हैं डेटा कंप्यूटर्स में, वो एक बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। बाइनरी का मतलब होता है वन और जीरो। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड, आप जब कीबोर्ड में देखिएगा, कीबोर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, जिसमें अल्फाबेट है, नंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है। अल्फाबेट का मतलब हो गया ए से लेके जेड तक। स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, एटसेट्रा। और कुछ न्यूमेरिक है, नंबर्स है, जैसे कि 0 to 9। तो ये सब हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड के नीचे एक एनकोडर होता है, एनकोडर आप लोग बाद में पढ़िएगा। एनकोडर का मतलब होता है कि जैसे ही हम लोग टाइप किए, कुछ भी की को प्रेस करते हैं, एक सिग्नल जनरेट होता है। एक्चुअली कंप्यूटर्स क्या है, एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस में क्या होता है कि हाँ, सारा चीज वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही कवर होता है। तो हम लोग कोई भी की प्रेस कर दिए, जैसे ए बी सी डी, तो उसी तरह से एक उसके अंदर एक कोड जनरेट होता है और वो जाके मेमोरी में स्टोर होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेमोरी है, कंप्यूटर्स में मेमोरी है जहां पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, उसको कहते हैं बिट। बिट का मतलब हो गया वन और जीरो, और बिट का ही एक एक्सटेंसिबल यूनिट हो गया बाइट। 8 बिट से हम लोग एक बाइट बनाते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि एक बिट बाइट का हम बाइनरी का कन्वर्शन दिखाते हैं। एक्चुअली मैं जो भी कंप्यूटर्स में स्टोर होता है, दैट इज नोन एज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब होता है दो, और हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या, डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या, 0 to 9। तो बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी ये कन्वर्शन जानना जरूरी है। ये यहां पे हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 1564 ये ह्यूमन बीइंग के लिए है, लेकिन जब ये कंप्यूटर्स में स्टोर होगा तो इसको बाइनरी में चेंज करना होगा। तो बाइनरी में कैसे चेंज होता है पहले हम दिखाते हैं। जैसे ये बाइनरी में चेंज करने के लिए इसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड किया जाएगा। जैसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड किए तो 782 हो गया इसका कोसेंट, रिमाइंडर हो गया 0। इसके बाद फर्दर इसको हम 2 से डिवाइड किए तो 391 हुआ और रिमाइंडर फिर 0 आ गया। इस तरह से इसको रिपीटेडली हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाएंगे। ये जब हो गया, जब लास्ट में यहां पे डिवाइड करते 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 0 आ गया, तो और हम लोग इसका फिर फर्दर डिवाइड करना, 0 हो गया तो R का वैल्यू हो गया लास्ट में 1। तो यहां पे स्टॉप करेंगे और इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे 1100 इस तरह से, तो 1100 1100 फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 0, तो ये हो गया 1564, एक डेसिमल नंबर है। तो और इसका जो है ये इसका बाइनरी नंबर है, बाइनरी का मतलब दो, बाइनरी में हम लोग दो ही सिंबल यूज करते हैं, 1 और 0, इसमें सारा 1 और 0 में लिखा हुआ है। तो इसमें से एक 1 और 0 को हम लोग कहते हैं बिट, और 8 बिट से बनता है वो हो गया बाइट। तो इसमें कितना बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बिट का नंबर है, 11 बिट। देखते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक यूनिट्स क्या क्या है। हम लोग जो बाइट पर रहते हैं, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो बाइट यहाँ पे जो हम लोग ए बी सी डी कैरेक्टर लिखते हैं, ए लेटर को भी हम लोग एक बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल, स्पेस, ये सारे जो है इसको हम लोग एक बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 8 बिट। ये 8 बिट क्यों लिया जाता है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो 8 बिट एनकोडिंग, जैसे मान लीजिए कि हम ए प्रेस किए, तो ए प्रेस करने के बाद कीबोर्ड के नीचे, कीबोर्ड में जो एनकोडर है वो उसको 8 बिट सिग्नल में चेंज कर देता है, और वो जाके मेमोरी में स्टोर होता है या अलग जगह में जाके वो प्रोसेस होता है। इसी तरह से वर्क चलता है। जैसे लास्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लोग कीबोर्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं यूजिंग सम बाइनरी कोड। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड में एक ए लेटर टाइप किया हुआ है और ए का कुछ कोड होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 0 0 0 0 1 0, ये इसको कहते हैं आस्की कोड। बाद में हम लोग पढ़ेंगे आस्की कोड क्या है। तो जैसे ए प्रेस किया गया है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है, कीबोर्ड के नीचे जो एनकोडर है वो उसको सिग्नल जनरेट कर रहा है और वो सीपीयू में जा रहा है, फिर सीपीयू से वो उसको बाइनरी कोड मॉनिटर में भेज रहा है। तो ये सारे जो सिग्नलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हम लोग अल्फाबेट्स न्यूमेरिक्स यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट कन्वर्ट करता है और उसी के थ्रू प्रोसेस करता है। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्डवेयर के बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम। थैंक यू।